ऐसे दिन भी मैं एक दिन जमे करने के बाद आईएएस की तैयारी करूँ, मैं उसको बात फिर से कहना चाहूँगा, अगर मैंने दो बार कहा है तो तीसरी बार ये बात कहना चाहूँगा कि क्या होता है गुरु शिष्य का रिश्ता, गुरु शिष्य की परंपरा क्या होती है। मैं एमए की पढ़ाई पूरी कर लिया था और आईएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, मैं दे रहा था परीक्षा। उन्हीं दिनों एक दिन शाम को एक लक्ष्मी चौराहे पर चाय पीने निकला तो अनायास मेरा मन हो गया कि चलो जैन साहब को मिलते हैं, विभागाध्यक्ष जी को मिलते हैं। लगभग साल डेढ़ साल हो गया था मैं पूरा किए प्रोफेसर कॉलोनी नहीं बगल में, मैं डालते हुए पैदल ही अनायास मेरे कदम उधर पड़ गए। जाके फिर मारा तो स्वयं उन्होंने खोला और पहले तो उन्होंने एक मिनट तो मुझे डांट लगाई कि अभी तो कहाँ हो, मैं साल भर से तुमको तुम्हारे बारे में सुनता रहता हूँ, दिखते नहीं हो। मैं कई बार उनको याद किया, कई बार उनको कई लोगों से पूछा, कोई बताया कोई बताया नहीं। फिर मैं अंदर गया उनके बैठा सहज हुए हम लोग, उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा सर मैं पढ़ाई तैयारी कर रहा हूँ, परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, परीक्षा दे रहा हूँ। क्या वो परीक्षा तो होती रहती है, परीक्षा चलती रहती है, तैयारी चलती रहती है, तुम पढ़ाना चाहोगे कि अखबार में। ये उनका सीधा सा एकदम सटीक ऑफर था मेरे लिए, विभाग में तुम पढ़ाना चाहोगे क्या। मैं तो एकदम चौंक गया कि ऐसी इतना बड़ा ऑफर, मैं समझ नहीं पाया क्या कहूँ। फिर मेरी तरफ देख के बोले देखो ऐसा है कि हर साल मैं तुम्हारे जैसे नए लोगों को लेता हूँ और वो लोग आईएएस हो जाते हैं, निकल जाते हैं, फिर से वैकेंसी हो जाती है हमारे, तो इस समय भी हमारे यहाँ दो वैकेंसी है। अगर तुम्हारा विभाग में जुड़ने का मन हो, शिक्षक बनने का मन हो, पढ़ाने का मन हो तो आ जाओ। मैंने कहा कि सर ये तो नौकरी है, मैं बिल्कुल आ जाऊँगा। बोले ठीक है कल से आ जाओ। अगले दिन मैं उपस्थित हो गया उनके रूम में।